कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या करता है हमारा टू टाइप्स, ठीक है, मतलब दो वे में होता है, जैसे कि एक पर्सनल होता है और एक
पैदा हो जाता है और किसी का डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो क्या करता है, कभी कभी पर्सनल हो जाता है। पर्सनल कैसे, सपोज एक कैंपस है, कैंपस में स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट और पुलिस के बीच में, ठीक है, मतलब अपनी रोज खुद के नेट के कारण क्या कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट। वैसे तुम्हारा होता है एक पर्सनल, ठीक है, एक पर्सनल। ठीक है, एक पर्सनल कैसे होता है, एक पर्सनल में क्या होता है, सपोज तुम जैसे कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उससे क्या, ये क्या करता है, एक बड़ा वॉर, ठीक है, क्या करता है, बिटवीन द डिस्ट, ये हो गया तुम्हारा इन पर्सनल। और पर्सनल होता है सपोज तुम अपने खुद के पर्सनल के लिए लड़ते हो, तो ये क्या करता है, ये जो है वो कैसा है, इट इज क्या करता है, ये यूनिवर्सल हो सकते हो, लेकिन मतलब नॉट ए यूनिवर्सल प्रोसेस नहीं बोलोगे, मतलब यूनिवर्सल कभी कभी होता है ये प्रोसेस, लेकिन ठीक है, क्या करता है वो जो सोशल जो इंटरेक्शन है उसके कारण क्या करता है वो फिजियोलॉजिकल, क्या करता है, बट मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो तुम्हारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, इसके कारण ये सभी के कारण क्या करता है वो एक बड़ा मतलब एक हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी इसके मतलब यूजफुल फंक्शन भी है इसके, जैसे कि वो क्या करता है, एक प्रोमोट करता है इस चीज़ को, प्रायोरिटी मिलता, ठीक है, और क्या करता है कभी कभी ये एक हेल्प क्या करता है तुम्हारा, जो भी तुम्हारा सोशल चेंजेस जो हो रहा है वो शॉर्ट रन के लिए हो रहा है, उसको भी मूव करता है। फिर क्या करता है वो, जो भी तुम्हारा एक मूव था कभी कभी सोसाइटी, ठीक है, टूवर्ड्स न्यू लेवल ऑफ द तुम्हारा सोशल है उसको करता है। और क्या करता है, ये जो भी तुम्हारा हेल्प करता है कभी कभी किसी कोई कोई प्रॉब्लम है या फिर तुम्हारा न्यू कोई सिचुएशन है उसके कारण वो कभी कभी हेल्प करता है, ठीक है। अब उसके कॉजेस क्या है तुम्हारे, तो कॉजेस है कभी कभी क्या करता है, जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है, डिफरेंस, ठीक है। फिर तुम्हारा कल्चर, इंडिविजुअल डिफरेंट, देन कल्चर डिफरेंट, ठीक है, और सोशल चेंजेस क्या है उसके कारण, और जो इंटरेस्ट हाथ का क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। फिर क्या होता है वो, लिमिटेड रिसोर्स, हमको क्या करता है, कॉज करता है लिमिटेड रिसोर्स के कारण, ठीक है, और इनसिक्योरिटी, हमको क्या से महसूस होता है, इनसिक्योरिटी होता है। अब देखेंगे इसके एंड, एंड रिजल्ट ऑफ द जो कॉन्फ्लिक्ट वो क्या करता है, तुम्हारे एक पॉजिटिव है, मतलब एक पॉजिटिव तुम्हारा रहेगा, ठीक है, ठीक है, अवर और एक नेगेटिव, तो ठीक वैसे देखेंगे ना पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव में क्या करता है वो, इसमें इम्प्रूव ग्रुप का होता है सेपरेटिंग, ठीक है, और ये क्या करता है कि मतलब एक ग्रुप बना के रखता है, पॉजिटिव देखिए। और कभी कभी क्या करता है वो, मतलब तुम्हारा जो भी ग्रुप में है
जैसे मतलब एक पर्टिकुलर जो एक पार्ट हमको चाहिए वो चेंजेस हमको मतलब एक फैमिली में रहते क्या करता है हम वो चीज दूसरे मतलब एक पार्ट करते हैं चेंज इज द बिहेवियर हम मतलब बिहेवियर चेंज करने के लिए क्या करता है खुद चीज को मतलब इट्स हेल्प हमको वो हेल्प करता है क्या करने के लिए उस एनवायरमेंट उसमें मतलब हमको अपने आप को एडजस्ट करने के लिए वैसे इसमें क्या है तुम्हारा मतलब ये ऐसा पार्ट ऑफ द प्रोसेस है मतलब हमारे लाइफ में एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है जिसके हम क्या करते हैं सेटिंग सिचुएशन पे हम इसको इम्प्रूव प्रेजेंट अबाउट दैट ठीक है हमारे पास कि इन सच केस कभी कभी क्या होता है ये क्या होता है एक ट्रेंडरी हो जाता है या फिर एक शॉर्ट टर्म के लिए मतलब शॉर्ट टाइम के लिए हम इसको अपने लाइफ में लाते हैं पर इट कैन भी क्या करता है परमानेंट कभी कभी परमानेंट हो जाता है क्योंकि हम परमानेंट भी होता है लेकिन ऐसा होता है कि जो सिचुएशन होता है जो इशू है वो क्या करता है डिवाइड है और हमको उसको सॉल्व करना पड़ता है तो ये इसका जो एडवांटेज ठीक है तो क्या चीज़ का एडवांटेज मतलब ये क्या करता है इट हेल्प क्या करता है ये हेल्प द पीपल टू क्या करता है हमको ये एक कॉपरेशन मतलब मेंटेन करने के लिए करता है ठीक है और ये क्या करता है तुम्हारा जेट तक पहुँचता है ठीक है हमको ये हेल्प करता है एडवांटेज क्या है हमको ये चीज़ में हेल्प करता है कि हम अपना जो मेंटेन जो ना मेंटेन करता है इसको कॉपरेट ठीक है और क्या एडवांटेज करता है मतलब क्या चीज़ में यूज़ करना है ये कि जो चेक करता है ठीक है चलेगा